स्वागत है आप सभी का द फ्री फाइल में। आप लोग वीडियो को देखते तो हैं पर चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक नहीं करते, तो मेरी आपसे विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लिया करिए, क्योंकि आप लोग का एक लाइक से कुछ नहीं जाता पर हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। तो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है सरा नाम की एक लड़की को, जो कि अपने मॉम डैड के एनिवर्सरी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही होती है, और वह एनिवर्सरी में जाने के लिए कुछ गिफ्ट्स लेती है, और वह सब गिफ्ट लेकर अपने घर जाती है तो उनके घर पर कोई नहीं मिलता। वह गिफ्ट्स को नीचे टेबल पर रखकर और अपने मैम डॉट को ढूंढने लगती है। वह अपने मॉम के कमरे में जाती है तो कुछ ऐसा देखती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं होती। उसकी मॉम अपने ही चाकू से वह अपने हस्बैंड को इंजेक्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से सारा के डैड की डेथ हो जाती है। फिर वह उसी चाकू से अपने गले को काट लेती हैं, जिसकी वजह से सारा की मॉम की भी डेथ हो जाती है। यह सब देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है और मूवी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है सारा को, जो कि एक बाथ टब में लेटी होती है, पर वह लेटी नहीं होती, वह बेहोश होती है क्योंकि उसने अपने हाथ को काट रखा होता है। इस वजह से उसका काफ़ी ज़्यादा ब्लड बह जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वह बिस्तर पर उठ रही है और इसके हाथ में पट्टियाँ बंधी हुई हैं, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसे जगाता है और कहता है तुम कैसी हो सारा, जहाँ पर सारा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि इससे पहले की जिंदगी उसे याद नहीं होती। वह अचानक से निक को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और निक से कहती है तुम कौन हो, जहाँ पर निक उसे बताता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यह सुनकर सारा को अजीब लगता है, लेकिन किसी तरीके से वह यह बात एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर जब रात में वह सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब से ड्रीम्स आते हैं, जिस ड्रीम्स में काफ़ी भयानक होते हैं और उसमें बहुत सारी आत्माएँ दिखाई जाती हैं जो कि उसे मारने के पीछे पड़े होते हैं। यह सब देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। और जब नेक्स्ट डे वह सुबह उठ रही होती है तब उसे बाहर एक औरत दिखाई पड़ती है जिसका नाम होता है जोस। निक जोस से बात कर रहा होता है, लेकिन जब सारा निक से पूछती है कि वह औरत कौन होती है तब जोस कहता है कि वह हमारी नौकरानी है जिसे मैंने देखभाल के लिए रखा है। यह सुनकर सारा रोने लगती है और निक से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि निक मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मुझे पुरानी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ पर मुझे कुछ भी याद नहीं, हम तुम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा निक खुश हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सारा नहाने चली जाती है, तभी सारा को कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगती है। वह आवाज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और फिर अपने कपड़े पहनकर वह बाहर आती है। तब वहाँ पर जोस खड़ी होती है। वह जोस से पूछती है तुम कौन हो और कहाँ रहती हो, जहाँ पर जोस उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर वह जोस से अपने दादाजी की घड़ी के बारे में पूछती है, लेकिन जोस कहती है कि यहाँ पर कोई भी घड़ी नहीं थी और तुम किस घड़ी के बारे में बात कर रही हो। यह सुनकर सारा वहाँ से चली जाती है और फिर वह निक के पास जाती है तो निक अपने काम में बिजी होता है, इस वजह से सारा शीशे में अपने आप को देखने लगती है। लेकिन शीशे में देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि सारा के अंदर कोई बुरी आत्मा घुसी हुई है। तभी सारा को एक और सपना आता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसे सपने में एक डॉक्टर और उसकी बहन जूली दिखाई पड़ती है। वह जूली और डॉक्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा कांपने लगती है और अपने शरीर को जोर जोर से बेड पर पटकने लगती है, लेकिन तभी उसकी अचानक से आँख खुल जाती है और वह जब उठकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। यह देखकर उसे लगता है कि मैं कोई सपना देख रही थी, लेकिन तभी जब वह खिड़की से बाहर देखती है तो निक जूली और डॉक्टर को घर से बाहर निकाल रहा होता है। लेकिन जब निक अंदर आता है तो सारा उससे पूछती है कि तुमने उन दोनों को बाहर क्यों भेजा और उन दोनों का क्या नाम है। यह सुनकर निक कहता है कि वो तुम्हारी बहन है और मैं तुम्हारे भी हमारे बीच अब किसी को नहीं आने दूंगा, चाहे वो तुम्हारी बहन हो चाहे कोई भी। यह सुनकर सारा वहाँ से चली जाती है और फिर निक और सारा साथ में सोने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से सारा की आँख खुलती है और उसे फिर से ड्रीम आने लगते हैं, जिसकी वजह से सारा काफ़ी ज़्यादा डरती हुई अपनी आँख खोलती है और निक को अपने सामने पाकर वह खुश हो जाती है। फिर निक उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए एक पार्टी रखनी है, क्या इसकी जरूरत मुझे है। यह सुनकर सारा कहती है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। यह सुनकर निक भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह सारा के लिए एक रेड कलर की ड्रेस लेके आता है जो कि सारा को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। फिर सारा नहाने के बाद गार्डन में आती है और गार्डन में कुछ फ्लावर्स को तोड़ने के लिए जब वह दरवाज़ा खोलती है तो उस दरवाजे पर एक फादर मिलते हैं जो कि सारा से कुछ अजीब बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से अपने आप को निकालना पड़ेगा। तभी वहाँ पर निक आ जाता है और कहता है तुम किससे बात कर रही हो, जहाँ पर फिर सारा कहती है कि दरवाजे पर कोई था। और जब निक दरवाजे की ओर देखता है तो दरवाजे पर कोई नहीं होता है। फिर सारा अपने रूम में चली जाती है और वह रेड ड्रेस को फिर से देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और ड्रेस को पहनने के लिए वह नहाने के लिए जाती है। लेकिन तभी उसे अचानक से एक ड्रीम आता है
और इसे ड्रीम में वो दूसरी जगह पहुंच जाती है जहां पर उसे एक आदमी लिटाकर कुछ उल्टे सीधे मंत्र पढ़ रहा है। यह सब देखकर सारा फिर से डर जाती है और जैसे ही वह जोर से चिल्लाती है फिर से निक उसके सामने होता है। पर निक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जब भी उसके सामने ड्रीम आता है वह काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर वह फ्लावर्स तोड़ने के लिए फिर घर से बाहर जाती है और फ्लावर्स को तोड़ ही रहे होती है तभी वहाँ पर जोस भी होती है और जोस उससे कुछ बातें करती है जहाँ पर सारा उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। जोस उससे कहती है कि मुझे ये बताना जरूरी नहीं और फिर जोस उसे कुछ ऐसा बोल देती है जिसकी वजह से फिर वह डिप्रेशन में चली जाती है। फिर वह पार्ट टप में जाती है और नहाने लगती है तभी उसे फिर से ड्रीम आने लगते हैं। वह अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में पाकर बहुत दुखी होती है। फिर वह शीशे के सामने आती है और रेडी होने लगती है उस पार्टी में जाने के लिए। वह अपने आप को शीशे में देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि तभी अचानक से शीशे में कुछ ऐसा दिखता है जो कि अजीब होता है जिसे देखकर सारा जल्दी से ड्रेस पहनकर नीचे पार्टी में आ जाती है। फिर वह पार्टी में जब आती है तो उसे बहुत से लोग दिखाई पड़ते हैं। वह उन सभी को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और सभी सारा का काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्वागत करते हैं। वहाँ पर रोज़ भी होती है जिसे देखकर सारा बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। वह निक से कहती है तुमने रोज़ को क्यों बुलाया, लेकिन वहाँ पर निक कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि खाना किसी को बनाना नहीं आता था इसलिए मैंने रोज़ को यहीं पर रोक लिया है। लेकिन तभी अचानक से उसे एक ड्रीम आता है कि उसके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है। यह सब देख कर सारा अचानक से एक चाकू उठाती है अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर हमला कर देती है जिसकी वजह से उसका हाथ में काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। यह देख कर निक उसे कुछ बोलता नहीं और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि यह सब उसके साथ रियल में हो रहा था। निक उससे कहता है कि ठीक है तुमने अच्छा किया और फिर निक उसे अचानक से कहीं ले जाता है जहाँ पर एक आदमी सारा को एक खून से भरे बार टप में रखे हुए है और वह सारा को मारने ही वाला होता है कि तभी सारा वहाँ से निकलकर भागने लगती है। और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि निक ही होता है। वह मुकुट पहनकर आया होता है और फिर सारा वहाँ से भागकर छत पर जाती है और एक रूम को अंदर घुस जाती है। लेकिन उस रूम में जब वह जाती है तो उसे बहुत सी आत्माएं दिखती हैं। वह उसे मारने की कोशिश करती हैं और पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन सारा हार नहीं मानती। वह लगातार आगे बढ़ते रहती है और फिर उस रूम को पार कर वह एक लाइब्रेरी में पहुँच जाती है जहाँ पर लाइब्रेरी में उसे बहुत सी अजीब सी किताबें मिलती हैं। वह निक का टाइपराइटर भी वहाँ पर देखती है तभी वहाँ पर निक आ जाता है और सारा से कहता है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन जब सारा खिड़की के पास होती है तो उसे एक आदमी बाहर दिखाई पड़ता है जो कि फादर होते हैं। फादर सारा को उसके मॉम डैड की डेथ के बारे में दिखाने लगते हैं और जब वह डेथ दोबारा देखती है तो उसके पीछे वही मार्क्समैन खड़ा होता है जो कि स्टार्टिंग में सारा के मॉम डैड का कातिल होता है। यह देखकर सारा समझ जाती है कि आज तक मेरे साथ जो भी हो रहा था वो और कोई नहीं बल्कि निक ही कर रहा था। तभी सारा खिड़की से नीचे कूद जाती है और जैसे ही वह नीचे कूदती है वह एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। वह एक बिस्तर पर लेटी होती है और इसका एक्सोरिज्म हो रहा होता है। उसका एक्सोरिज्म कोई और नहीं बल्कि फादर ही कर रहे होते हैं जो कि उसके सपने में आकर उसे निक के कंचंगुल से मुक्त करने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। फादर एक्सोरिज्म करते हैं और बहुत से मंत्र पढ़कर उसे पवित्र पानी जैसे ही उसके ऊपर छिड़कते हैं निक उसकी बॉडी से निकल जाता है और सारा नॉर्मल होने लगती है। फिर सारा को दिखाया जाता है जो कि सारा की याददाश्त भी वापस आ गई है और उसे अब इस बारे में सब कुछ याद होता है। तभी सारा का हालत हमें ऐसा दिखाया जाता है कि सारा काफ़ी दिनों से कुछ खाई भी नहीं है और इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। सारा के सपने में आए हुए सभी व्यक्ति यहाँ पर एक्सोरसिज्म के साथ होते हैं। वहाँ पर डॉक्टर भी आता है तो डॉक्टर यहाँ पर होता है, वहाँ पर फादर आते हैं तो फादर भी यहाँ पर होते हैं। ये सभी लोग सारा के शरीर से निक को निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब ये लोग एक्सोरसिज्म यहाँ पर स्टार्ट करते हैं तो उसे वहाँ पर ड्रीम आते हैं और ड्रीम्स में सभी प्रकार के व्यक्ति दिखते हैं जो कि सारा को काफ़ी मदद करते हैं निक के चंगुल से निकलने में और सारा कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जूली जो उसकी बहन होती है वह रियल में होती है और जूली से फादर कहते हैं कि तुम सारा का ध्यान रखना और सारा से कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से शैतान तो बाहर आ गया है पर उसकी अभी भी कुछ शक्तियाँ तुम्हारे अंदर बसी हुई हैं, धीमे धीमे तुम उससे दूर होते रहना, धीमे धीमे वो तुम ठीक हो जाओगी। यह सुनकर सारा काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब उसको जब अंदर जाती है तो उसे दादाजी की घड़ी दिखाई पड़ती है। यह देखकर सारा काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है क्योंकि उसे अब सब कुछ याद होता है और वह अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गई थी यानी कि शैतान के चंगुल से बाहर आ गई थी। लेकिन वह शैतान उसकी बहन के अंदर घुस जाता है जो कि उसकी बहन के रूप अब सारा को परेशान कर रहा होता है। तो मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आशा करते हैं आपको मूवी समझ में आई होगी। अगर मूवी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।